Hello everyone. This video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Now, next scheduling algorithm is longest Joe first algorithm. Next algorithm is longest Joe first algorithm. You call it LJF. Longest Joe first algorithm आपका हमने पढ़ा था shortest job. शॉर्टेस्ट जॉब में हमने किया था जो जिसका भी बस टाइम सबसे कम है उसको हम सीपीयू एलोकेट कर देते थे. उसका फायदा क्या होता था कि हमारी जो लो जिसको सीपीयू कम टाइम के लिए चाहिए वो प्रोसेसेस तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर जाती थी, लेकिन यदि कोई हाई सीपीयू बाउंड प्रोसेस है जिसको ज़्यादा समय के लिए सीपीयू चाहिए तो उसको तो वेट करना पड़ता था. मीन्स वहाँ पर भी आपकी कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो स्टार्वेशन अकर होता था. कुछ टाइम के लिए तो स्टार्वेशन अक्कर होता था किसके लिए? ओनली फॉर लॉन्गेस्ट प्रोसेस के लिए जिसको हाई टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था. एलजेएफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट जस्ट अपोजिट है आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के. यहां पे हम जिस प्रोसेस को ज्यादा टाइम के लिए सीपीयू चाहिए उसको हम अलोकेट करेंगे सीपीयू, और जिसको कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए जिसका बस टाइम कम है उसको हम वेट करना पड़ेगा आपका जब तक सीपीयू लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिर भी क्या होगा, स्टार्वेशन प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है. मींस जैसे हमने एफसीएफएस में चेक किया था कि यदि कोई हाई बस टाइम प्रोसेस या हाई सीपीयू बाउंड प्रोसेस पहले अक्कर हो जाती थी, अराइव हो जाती थी आपके किसमें, रेडी क्यू में, एज कंपेयर टू लो बस टाइम प्रोसेस. तो वहाँ पे हमारे पास हमने चेक किया था स्टार्वेशन अक्कर हो रहा था जिसको हम कन्वे इफेक्ट भी बोलते थे, कन्वे इफेक्ट. सेम एज टीच आपका यहाँ भी अक्कर होगा. अब देखते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेम. वी विल चेक फॉर द बस टाइम, लॉन्गेस्ट बस टाइम, एंड we will go here for the mode that is preemptive mode. मैं यहाँ पे आपको preemptive mode से बता देता हूँ कि कैसे करेंगे preemptive mode. We will go here for the preemptive mode. Okay, पहले non preemptive mode के लिए discuss कर देते हैं. Non preemptive mode के लिए discuss कर लेते हैं. Same as teach. हमारे पास प्रोसेस नंबर है, अराइवल टाइम है एंड बस टाइम है. प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5. अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. बस टाइम इज 3, 2, 4, 5 एंड 6. नाउ मेक द गैंट चार्ट and apply the longest job first algorithm. Longest job first algorithm. Please make the Gantt chart and apply the longest job first algorithm. अभी आपको shortest job में हम जिसका bus time कम था उसको CPU allocate करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जिसका bus time high है उसको CPU allocate करना है. तो एक बार try कीजिए आप, फिर देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे करना है. एक बार आप मेंटेन कीजिए गैंट चार्ट. हाँ जी, आप लोगों ने ट्राई किया, देखिए मैच कीजिएगा क्या आपने सही किया है. हम मेंटेन करेंगे गैंट चार्ट को, स्टार्ट विथ 0 अराइवल टाइम एंड हम मेंटेन करेंगे हमारा रेडी क्यू. एट 0 यूनिट ऑफ टाइम, 0 यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस P1 अराइव इन द रेडी क्यू. प्रोसेस P1 अराइव इन द रेडी क्यू, नो वन अदर देन CPU इज अलोकेटेड टू P1. P1 विल एग्जीक्यूट फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम.
P1 will execute 3 units of time. During P1 execution, at 1 unit of time, P2 will arrive in the ready queue. At 2 unit of time, P3 will arrive in the ready queue. And 3 unit of time, P4 arrive in the ready queue. Now we have 4 processes. P1 completed at 3 unit of time. P1 is completed. Now we have 3 processes, P2, P3 and P4 in the ready queue. Our algorithm is longest job first. So check kijiye P2, P3 and P4 mein highest bus time kiska hai. Usko hum CPU allocate karenge. Kiska hai highest bus time? P4 ka. So CPU allocate kiya jayega P4 ko. P4 execute karega 5 unit of time ke liye up to 8. During P4 execution, yahan pe P5 arrive hota hai 4 unit of time ke liye. P5 arrive ho jata hai 4 unit of time pe. P4 complete hota hai 8 pe. P4 is complete at 8 unit of time. Now we have only 3 process, P2, P3 and P5 in the ready queue. Compare the bus time, P2, 4 and 6. P5 need CPU for the 6 unit of time. Then CPU is allocated to P5 and it will execute for 6 unit of time, complete at 14. Now P5 is complete, only P2 and P3 in the ready queue. P3 need 4 unit of time. P3 need 4 unit of time, which is high as compared to P2 bus time. Then CPU is allocated to P3. CPU allocated to P3 and P3 execute for 4 unit of time and complete at 18. Only P2 in the ready queue. Only P2 in the ready queue. CPU allocated to P2. CPU allocated to P2. And P2 also execute. So all the processes from the ready queue are completed and terminated. So please find out the completion time. P1 complete here, P2 complete here, P3 complete here, P4 here and P5 here. So write the completion time, find out turnaround time and find out waiting time. Okay, please find out average waiting time and average turnaround time. Completion time of P1 is 3 units, P2 is 20 units, P3 is 18, P4 is 8 and P5 is 14. Find out turnaround time, completion time minus arrival time. 3 minus 0, 3, 20 minus 1, 19, 18 minus 2 is 16, 8 minus 3 is 5, 14 minus 4 is 10. Find out waiting time, turnaround time minus bus time. 3 minus 3 is 0, 19 minus 2 is 17, 16 minus 4 is 12, 5 minus 5 is 0, 10 minus 6 is 4. Okay, यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, देखिए, सबसे कम सीपीयू चाहिए था, P2 को सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था, और इसी को सबसे ज़्यादा टाइम के लिए क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। P2 को सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ा। Starvation problem occur here, okay? फाइंड आउट कीजिए एवरेज, फाइंड आउट कीजिए 3 प्लस 19 22 38 43 एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 43/5 एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कीजिए 17 प्लस 12 29 29 प्लस 4 33/5 सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 100% ओके 53 सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 100% एंड नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेज आर 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेज हियर ओके
चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट में नया क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट मोड है हमारे पास प्रिम्प्टिव मोड। नेक्स्ट मोड इज प्रिम्प्टिव मोड। प्रिम्प्टिव मोड मीन्स यदि आपके पास आपके रेडी क्यू में कोई शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट जॉब लॉन्गेस्ट वर्स्ट टाइम जॉब अराइव हो जाती है लेकिन उस दौरान सीपीयू में आपके पास रनिंग स्टेट में कोई शॉर्टेस्ट वर्स्ट टाइम प्रोसेस है तो आपका प्रिम्प्शन अक्कर हो जाएगा। आपका प्रिम्प्शन अक्कर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस प्रिम्प्टिव मोड में हम आपकी लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट को नाम दे देते हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसी को नया नाम दे दिया जाता है दैट इज लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वी हैव क्वेश्चन प्रोसेस नंबर अराइवल टाइम एंड बस टाइम। प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम इज 1, 2, 3 एंड 4। बस टाइम इज 2 यूनिट्स 4 यूनिट 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स। ओके ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को। हाँ जी आप लोगों ने ट्राई किया तो हम बनाएंगे गैंट चार्ट। गैंट चार्ट आपको बनाना है और आपको रेडी क्यू को भी मेंटेन करना है। गैंट चार्ट स्टार्ट विथ 0 चेक एट जीरो नो प्रोसेस अराइव्ड इन द रेडी क्यू। एट 0 नो प्रोसेस इन द रेडी क्यू देन सीपीयू विल बी आइडल फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एट 1 एनी प्रोसेस यस एट 1 यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस P1 इन द रेडी क्यू। एट 1 यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस P1 इन द रेडी क्यू चेक P1 विल एग्जीक्यूट फॉर हाउ मेनी यूनिट ऑफ टाइम। P1 विल एग्जीक्यूट फॉर हाउ मेनी यूनिट ऑफ टाइम। हाँ जी P1 विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर चेकिंग हेयर फॉर द प्रिम्प्शन। P1 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद इसका रिमेनिंग टाइम है 1 यूनिट। एट 2 यूनिट ऑफ टाइम P2 विल अराइव। एट 2 यूनिट ऑफ टाइम P2 अराइव एंड P1 एंड P2 बोथ आर इन द रेडी क्यू चेक विच वन हैव हाई बस टाइम एज कंपेयर टू P1। P1 नीड ओनली 1 यूनिट बट P2 नीड्स फॉर 4 यूनिट ऑफ टाइम देन CPU इज अलोकेटेड टू P2। CPU अलोकेटेड टू P2 फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम। एट 3 यूनिट P3 इन द रेडी क्यू रिमेनिंग टाइम फॉर P2 इज 3 यूनिट्स। ओके नाउ P1 P2 एंड P3 3 प्रोसेस आर इन द रेडी क्यू एंड P3 हैव हाई बस टाइम। नाउ CPU इज अलोकेटेड टू P3 CPU अलोकेटेड टू P3 एंड P3 एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। P3 एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 यूनिट इज रिमेनिंग बट एट 4 P4 इन द रेडी क्यू। P4 इन द रेडी क्यू। नाउ अमोंग ऑल 4 प्रोसेसेस P1 P2 P3 एंड P4 P4 हैव हाई बस टाइम एज कंपेयर टू P1 P2 एंड P3। नाउ CPU अलोकेटेड टू P4 CPU अलोकेटेड टू P4 एंड CPU फॉर P4 अप टू 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। P4 को हम CPU 8 यूनिट के लिए अलोकेट करेंगे और P4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। P4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हाँ जी अभी किसको चाहिए? जी नहीं यहां पे आप नोट कीजिए एक चीज। आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो आपका एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो P4 को हम क्या कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कर दें? P4 को हम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करें? यस सेम क्वेश्चन अमित यही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम P4 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे क्या? यहां पे देखिए P4 को चाहिए 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। P4 को चाहिए 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। चलिए P4 5 तक कंप्लीट करता है रिमेनिंग इज 7। P4
नेक्स्ट अगेन सिक्स तक करता है, रिमेनिंग टाइम इज सिक्स, एट एट सेवन, एट सेवन पी फोर कंप्लीटेड थ्री यूनिट ऑफ टाइम, पी फोर कंप्लीटेड थ्री यूनिट ऑफ टाइम एंड हियर द बस टाइम ऑफ पी थ्री एंड पी फोर इज सेम, बस टाइम ऑफ पी थ्री एंड पी फोर इज सेम, बस टाइम ऑफ पी थ्री एंड पी फोर इज सेम. When we have the same bus time, then which one we allocate CPU? तो हम किस प्रोसेस को CPU allocate करें जब हमारे पास bus time दो processes का same है? If the bus time of the processes are same, then schedule the process which has lowest arrival time. If not डालिए, if the bus time of processes is same, then schedule the process which one have lowest arrival time. यहां पे आपकी दोनों प्रोसेस P3 एंड P4 का बस टाइम सेम हो गया है, तो आपको चेक करना है कि आपका अराइवल टाइम किसका कम है. अगर आप चेक करते हो अराइवल टाइम P3 का आपका लेस है, तो हम यहाँ पे P3 को पहले अलोकेट करेंगे CPU as compared to P4. तो CPU अलोकेट किया जाएगा P3 को CPU अलोकेट किया गया. नेक्स्ट हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम CPU allocated to P3 for one unit of time CPU allocate किया गया and it is completed at 8. Now, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका burst time अभी चेक कीजिए P3 का हो गया 4 और P4 का कितना हो गया 5. Highest हो गया P4 का, तो अभी हमें CPU किसको allocate करना पड़ेगा. फिर से CPU allocate किसको करेंगे, CPU allocate किया जाएगा आपका P4 को and P4 will execute for one unit of time 9. Now again the CPU of P3 and P4 is same, again the CPU bus time of P3 and P4 is same. Now again preemption will occur and CPU allocated to P3, CPU allocated to P3 for one unit of time up to 10. Remaining time is 3. Which one have high bus time? P4. Now CPU allocated to P4. CPU allocated to P4 for one unit of time. Now bus time of P4 is also 3. P2, P3 and P4 all need this CPU for the 3 unit of bus time, 3 units. तो हम किसको allocate करेंगे अभी आपका CPU. Again, if the bus time is same, then we will go for the lowest arrival time. Arrival time of P2 is lowest as compared to P3 and P4. Now CPU is allocated to P2. CPU allocated to P2 at 11. CPU allocated to P2 up to for one unit of time. Bus time is low, but P3 and P4 have same bus time. Now CPU allocated to P3 for one unit of time. It's also again 2. Now which one have high bus time? P4. Now CPU allocate to P4 for one unit of time 14. It is 2. Again the process repeat the same. Repeat कीजिए फिर से. P2 को CPU allocate किया जाएगा one unit के लिए, तो इसका हो गया 1. Now P3 को allocate करेंगे 16. Now 1. Now P4 को allocate किया जाएगा because P4 have high bus time as compared to P1, P2 and P3. Now 1. Now all the four process have the same bus time, one unit.
Now CPU allocated to P1 up to 18 units and P1 is complete. Now bus time of P2 and P3. Now bus time of P2, P3 and P4 is same. Now CPU is allocated to P2 for 1 unit, 18, and P2 is also complete. Now CPU allocated to P3, it is 20, and P3 also complete. And now CPU allocated to P4, and P4 is also complete at 21. Now this is the preemption scheduling of longest job first. You call it longest remaining time first. Okay, P4 complete at 21, P3 complete at 20, P2 complete at 19 and P1 complete at 18. Please write the completion time and find out average turnaround time and average waiting time. Completion time find out कीजिए. Turnaround time find out कीजिए. And waiting time find out कीजिए. P1 complete at 18. P2 at 19, P3 at 20 and P4 at 21. 18 minus 1, 17. 19 minus 2, 17. 20 minus 3, 17. And 21 minus 4 is again 17. Now, waiting time find out kijiye. Turnaround time minus bus time, 15. 17 minus 4, it's 13. 17 minus 6, it's 11. And 17 minus 8. It is again 11. So average turnaround time find out कीजिए and average waiting time. Average turnaround time it is equal to 17 and average waiting time 15 plus 13 28 and 22 it's 50 by 4, nearly 12.5. Okay. Oh, it's 9. Sorry. It's 9, na? 48 means 12. Okay. 12. तो ये था आपका longest remaining time first job scheduling algorithm, CPU scheduling algorithm. तो आपको check करना है highest bus time जिसका है हम उसको CPU allocate करेंगे. लेकिन आपका chances क्या होंगे कि दो processes है उनका bus time same आएगा. उस time पे आपको जिस process का arrival time कम है उसको CPU allocate करना है, उसको scheduling करनी है. Okay, if anyone have any doubt then please ask.